राजा अवंती वर्मन के शासनकाल के दौरान बहुत से निर्माण कार्य पूरे किए गए। स्वयं राजा और उनका युवराज शूर वर्मन स्वयं इन कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। सीमाओं की सुरक्षा और मवेशियों के लिए उन्होंने अस्तबल बनवाए। राजा ललितादित्य ने अपने शासनकाल के दौरान अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए चश्मे और कुएं खुदवाए। इससे पहले किसी दूसरे राजा ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए राजा अवंती वर्मन के राजा बनने तक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारी प्रजा कष्ट में है, इस कष्ट का निवारण करना है। महाराज, आपके आदेश के बाद प्राणियों के साथ हिंसा बंद कर दी है, चारों तरफ शांति है, फिर भी राजा अवंती वर्मन की जय जयकार, राजा की लंबी आयु हो। बोलिए, क्या कष्ट है आपको? महाराज, धान तो तैयार है। एक खिरवार 10 मुद्रा का है। कारण? बहुत से गांव पानी में डूब गए हैं। शूर वर्मन, वितस्ता के पानी की ऊंचाई एक दिन में इतनी बढ़ गई? महाराज, इनके कहने के अनुसार ऐसा ही लगता है। इसका जल्दी ही उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। वितस्ता का पानी खेतों में जा रहा है महाराज। महापदम, सरोवर के किनारे बसे गांव भी पानी में डूबने लगे हैं। लोग गांव छोड़कर भागने लगे हैं। अन्न भी समाप्त हो गया है और धान भी पानी में डूब गया है। शूर वर्मन, क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? महाराज, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी, मगर क्या हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? वास्तु शिल्पियों और विशेषज्ञों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हर साल ये समस्या हमारे संकट का कारण बनती है। गुणियों और विद्वानों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। जितना भी धन प्रयोग हो सकता है करो, मगर इस समस्या का समाधान निकालो। महाराज, इसीलिए हम कई दिनों से घोषणा करवाते आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उपाय या समाधान लेकर आएगा उसको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। क्या कोई आया? नहीं महाराज, कोई भी नहीं आया। एक शूद्र लोगों से कह रहा है महाराज, वो इस समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन वो क्या कर सकता है? बताओ, क्या कहता है वो? वो एक ही बात कह रहा है, बुद्धिमान हूँ पर धन नहीं है। धन होता तो सारी समस्या दूर कर देता। कौन है वो? उसका नाम सुइया है महाराज। घर में बच्चों को पढ़ाता है और पेट पालता है। जब वो छोटा था तब बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज ने उसे पाठशाला में पढ़ने दिया। अति उत्तम, अति उत्तम, शाबाश बच्चों, पढ़ो सब। उससे उमा, से उमा, स से स्वयं, स से स्वयं, स से। आप मेरे इस बच्चे को भी इन बच्चों के साथ पाठशाला में पढ़ाइए, मैं आपके आभारी रहूंगी। अरे कहाँ आ गई तुम मेरी पाठशाला को अपवित्र करने, जाओ यहाँ से। पंडित जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। कहा ना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। पंडित जी, मैं इस बच्चे को अपनी जाति से मुक्त करना चाहती हूँ। ये बच्चा ब्राह्मण है। अरे क्या कह रही हो तुम, एक चांडालिनी का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो फिर आपकी पोथियों का ज्ञान केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। तुम क्या जानती हो? सच्चाई सुनेंगे? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। एक दिन मैं एक गली से गुजर रही थी, एक मिट्टी का बर्तन देखा, उस बर्तन का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात बच्चा था, सुंदर खूबसूरत। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, पूरे गांव में पता किया, मगर इसे लेने कोई भी नहीं आया। फिर मैंने इसे अपनी छाती का दूध पिलाया, पाला पोसा, इसे बड़ा किया। पंडित जी, अब इस बच्चे के पढ़ने का समय है, इसे पढ़ाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पंडित जी, कृपा कीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ा सकता। ना, ना, ना। पंडित जी महाराज, मुझ पर और इस अबोध बालक पर कृपा कीजिए। मैंने इसे कभी भी चांडाल बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया है, न उनमें उठने दिया, न बैठने दिया है। कृपा कीजिए, इसे पढ़ा दीजिए, ये भविष्य में बड़ा विद्वान, गुणी और ज्ञानी बनेगा। क्या? ये शूद्र का बेटा बनेगा ज्ञानी? विद्वान बनेगा? अवश्य बनेगा, क्योंकि
आप जो इन बालकों को अब पढ़ा रहे हैं वो ये पहले से जानता है। ये गुणवानों की तरह बातें करता है। इसका नाम क्या है? अभी तो लोग इसे मेरे नाम से जानते हैं। क्या? सुइया, सुइया पुत्र। जो भी हो, जाओ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। जाओ, शाबाश बच्चो, पढ़ो तुम सब। ओ से ओम, ओम भर्गो देव सदी मही दियो यो न प्रचोदया। पंडित जी, देखा आपने कितना गुणी है। मैं प्राण न्योछावर कर दूंगी, आप इसे पढ़ा दीजिए। वाह, अति उत्तम। बैठो बेटा, बैठो बालकों के साथ। शाबाश शाबाश, पढ़ो सब। न से नाम, न से नाम, क से काम, क से काम, र से राम। महाराज, क्या हम सुइया को यहाँ बुला सकते हैं? क्यों नहीं, अगर उसके पास धन नहीं है तो बुद्धि तो है। महाराज, कई लोगों ने प्रयत्न किया पर इस पानी का कोई हल नहीं निकाल सके, वो क्या कर सकता है? और बारिश होना तो प्रकृति का एक नियम है, जब बारिश होगी पानी बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। और परम सरोवर का सेतु टूटने लगेगा, कश्मीर दोबारा से सरोवर बन जाएगा। कितने प्राणी मारे जाएंगे, कितने मकान तबाह हो जाएंगे, इसका कोई समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मैंने कितना समझाया कि लोगों के साथ अपनी बुद्धि मत बांटा करो, देखा इसका असर? क्या माता? यही, राजसभा से बुलावा आया है। इन मंत्रियों और राजाओं पर कोई भरोसा है क्या? क्या पता कौन सा आरोप लगा दें। माता, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, एक दिन सब बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ से निकलकर पहाड़ों के उस तरफ जाते हैं। वो तो सच है बेटा, लेकिन जब तुम मुझसे दूर जाओगे तो मेरे हाथ पांव नहीं चलेंगे, तुम मेरी आंख का तारा हो, तुम्हारे कारण ही मैं चल रही हूँ। जब तुम दूर जाओगे तो मैं क्या करूँगी? माता, आप बहादुर बने और हर एक से कह दें आपका बेटा राजा अवंती वर्मन के पास जाएगा और बाढ़ दूर करने का उपाय बताएगा। नहीं बेटा, लोग बातें करते हैं, कहते हैं इस निर्धन और शूद्र का बेटा राजा के दरबार में, जब वो तुम्हें बुरा भला कहते तो बड़ा कष्ट होता है। माता, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, कोई किसी की खुशी नहीं देख सकता, ये संसार ऐसा ही है। आप स्वयं ही तो देखती हैं कि लोगों की गलियां साफ करते सुबह से शाम हो जाती है, मगर लोग तब भी अपशब्द ही कहते हैं। हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। माता, लोगों की सेवा करने का काम बहुत कम लोग ही करते हैं, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे कश्मीर के हर निवासी को लाभ होगा। जो राजपुरुष मुझे लेने आए हैं मैं सुबह ही उनके साथ चला जाऊंगा। तुम मुझे अपना आशीर्वाद दो माता, भगवान से प्रार्थना करना मैं सफल हो जाऊं। जब मैं सफल होकर वापस आऊंगा तब देखना सब मुझे कैसे गले लगाएंगे और सारा भेदभाव दूर हो जाएगा। भगवान तुम्हें गुण दे, सम्मान दे, आदर दे। भगवान मेरी सुन ले, तुम सबके प्रिय बन जाओ। बनूंगा, अवश्य बनूंगा। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। माता, जरा हंसो, हंसो ना, ऐसे ही हंसती रहना। सुइया गरीब घराने का एक बुद्धिमान लड़का था, उसकी विद्या और अकलमंदी देखकर सब लोग हैरान हो जाते थे, लेकिन आम लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो वितस्ता में आई बाढ़ को रोकने की बात करता था। राजा अवंती वर्मन ने उसको बढ़ावा दिया, राजकीय निमंत्रण भेजा और दरबार में बुलवाया। राजा अवंती वर्मन को सुइया का प्रणाम। प्रणाम। राजन, आपके अधिकारी मुझे यहाँ लाए हैं, आज्ञा दीजिए। सुना है तुम पानी की
ऊंचाई कम करने का उपाय बताना चाहते हो? जी महाराज, चाहता हूँ। इस बाढ़ का कारण क्या है? वितस्ता के पानी का प्रवाह। वितस्ता के पानी का प्रवाह यदि ठीक किया जाए तो बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी। जी महाराज। सुइया, तुम उम्र में बहुत छोटे हो और तुम्हें इस काम का अनुभव भी नहीं है। क्या तुम हमारी राज्यसभा को ये विश्वास दिला सकते हो कि तुम ये कर सकते हो? जी महाराज, मैं उम्र में छोटा तो हूँ परंतु यहाँ तो इतने सारे अनुभवी हैं, वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर सकते हो? बुद्धि बल का प्रयोग कर सकता हूँ, किंतु धन के बिना तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर धन हम दे दें तो? तब मैं इस काम को राजन अवश्य करूँगा। राजन, मैं आपका धन वितस्ता में फेंक दूंगा। हंसने की बात नहीं, वितस्ता ऊपरी इलाकों से नीचे की तरफ बहती है, उसमें काफी रुकावटें आई हैं, उन्हें हटाना होगा। जब नदियों का पानी सरोवर की तरफ जाता है तो सारा क्षेत्र डूब जाता है। अगर पानी में आने वाली रुकावटें हटा दी जाएं, तो सरोवर का पानी तेजी से बहने लगेगा और वितस्ता का पानी कम हो जाएगा। कौन हटाएगा रुकावटें? जिसको धन की आवश्यकता होगी। ये बातें तो बेकार और बेमतलब लगती हैं। मंत्री जी, मैं सरोवर के चारों तरफ घूमा हूँ और वहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। पहाड़ों से कितने बड़े बड़े पत्थर गिरकर आए हैं वो भी जानता हूँ, और पानी कहाँ पर रुका हुआ है वो भी जानता हूँ, और वितस्ता के किनारों पर कहाँ कहाँ रुकावट है ये भी जानता हूँ। ये कोई समाधान नहीं है, इसीलिए तो पागल कहलाते हो। क्षमा कीजिए मंत्री जी, राज्यसभा में बैठकर किसी समस्या पर बहस करना एक बात है, लेकिन गहरे पानी में उतरकर अपनी जान हथेली पर रखकर वो पत्थर हटाना अलग बात है। गांव के जो भी लोग धन के लिए तरसते हैं वो लोग ये काम करेंगे, ये रुकावटें दूर करके पानी का बहाव ठीक हो जाएगा। राजन, सारा कश्मीर बाढ़ के प्रकोप से मुक्त हो जाएगा। मगर राजन, इस सब में धन लगेगा। धन की किसी आवश्यकता नहीं, लेकिन हम तुम्हें राजकोष से धन नदी में बहाने के लिए नहीं दे सकते। मुझे चंद मुद्राएं ही चाहिए। मैं तुम्हें निजी धन दूंगा। फिर राजन, मैं ये काम अवश्य करूंगा, अवश्य। मुझे लगता है तुम सफल होगे। जी राजन, मैं अवश्य सफल होऊंगा। मैं कश्मीर की प्रजा को इस बार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। राजा अवंती वर्मन की हौसला अफजाई से सुइया ने अपना कामकाज करना शुरू किया। वो कामराज यक्षधर गांव तक गया, वहां पानी के अंदर कुछ मुद्राएं फेंक दी। लोगों ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए। देखा तुमने, उसने ये मुद्राएं फेंक दी पानी में। पैसे तो लोग ले जाएंगे। अरे ये तो मूर्ख है। तुम तो रात दिन इस पानी में गोते लगाते रहते हो, तुम नहीं निकाल सकते। जाने दो उस मूर्ख को, मैं खुद निकालूंगा, छोड़ थोड़े ही दूंगा। हाँ, तब मुद्राएं हमें मिल जाएंगी। बस इसको जाने दो और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, ये मुद्राएं उसकी हैं जो इन्हें पानी से निकालेगा। हम किसी से ये मुद्राएं वापस नहीं लेंगे। मगर अगर कोई भी पत्थर सामने आए या हाथ आए तो उसको किनारे पर लाना है। अगर कोई किसी की पत्थर निकालने में मदद करेगा उसे भी मुद्राएं मिलेंगी। सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो, ये मुद्राएं तुम्हारी हैं, ये मुद्राएं तुम्हारी हैं। असल में वितस्ता में ये पत्थर तब जाते थे जब बारामूला के पास पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर वितस्ता में गिरते थे, इससे पानी की सतह उठ जाती थी। यक्षधर गांव में जब ये मुद्राएं फेंकी गई तो लोग खुशी से झूम उठे और सिक्के पाने के लिए पानी में कूद पड़े। सुइया उन्हें बार बार ये कहता रहा कि ये पैसे तुम्हारे हैं। इस तरह लोग ये पत्थर निकालकर किनारों पर लाने लगे। महाराज, उस समय हमने उस सुइया पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब समझ में आता है कि वो कितना बुद्धिमान है। सब उसको मूर्ख और बेवकूफ कहते हैं, परंतु उसने दिखा दिया वो कितना बुद्धिमान है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। राजन, उनकी उम्र बहुत लंबी है, नाम लिया और वो यहाँ आ भी गए।
महाराज अवंती वर्मन की जय जयकार। महाराज, ये बात सुनकर आप बहुत प्रसन्न होंगे कि बारामूला के पास पानी बहुत तेजी से बह रहा है। यक्षधर में बांध बनने लगे हैं और पदमसा के पास बांध का काम चल रहा है। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरी बुद्धि और अपने धन का प्रयोग कीजिए, इससे लोगों की पीड़ा दूर हो जाएगी। राजन, अनाज फिर से सस्ता हो गया है। राजन, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पर अब तुम क्या करना चाहते हो? राजन, सिंध और वितस्ता एक अजीब जगह पर रुकती हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों नदियों का रुख श्रीनगर की ओर कर दूं। कारण? राजन, इससे ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो गांव निचले इलाकों में बसे हुए हैं, वो इस मुसीबत से मुक्त हो जाएंगे। सही कहा तुमने। राजन, जहां जहां बाढ़ की संभावना रहती है, वहां पानी निकालने के लिए नई नदियों और नए रास्ते बनवाने होंगे। इसके अलावा मैं काम और करूंगा, सभी गांवों से मिट्टी लाऊंगा, उसे सींचूंगा। जब तक मिट्टी सूखेगी, तब तक मैं कोई और तरकीब सोचूंगा। महाराज, महाराज, इन महान कामों के लिए हमें राजकोष से धन देना पड़ेगा। इनको जितने धन की आवश्यकता हो उतना दे दिया जाए, साथ ही उन सबको राज वेतन मिलना चाहिए जो इनके साथ काम करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज, हम राज्यसभा में इनका सम्मान करेंगे। क्यों नहीं, इनके लिए छत्र और छत्रधारियों का प्रबंध कीजिए। इनको एक नाव और कुछ घोड़े दे दिए जाएं। ठीक है महाराज। सारे ब्राह्मण इन्हें अन्नपति बुलाते हैं, हम भी इन्हें अन्नपति सुइया बुलाएंगे। अन्नपति सुइया की जय जयकार। अन्नपति सुइया की जय जयकार। जिस तरह कोई हकीम किसी बड़ी बीमारी से मुक्ति दिलाता है, उसी तरह सुइया ने कश्मीर को बाढ़ से मुक्ति दिलाई। वितस्ता पर बांध बने, बड़े बड़े डाट बनाए गए। सुइया अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके नाम पर एक गांव बसाया गया जिसका नाम सुइया कुंडल पड़ा। फिर वितस्ता पर पुल बनाए गए और एक पुल वो भी था जिसका नाम सुइया पुल पड़ा। इस तरह सुइया ने माँ कश्मीर को खुशहाल बनाया। कल्लन की राज तरंगनी का सातवां और आठवां भाग दूसरे भागों के मुकाबले में बड़ा है, क्योंकि इस दौर में खुद कल्लन और उसके पिता चंपक मौजूद थे। ये दौर राजा अनंत देव का था, जिसने 36 साल तक राजपाट करके अपना राजपाट अपने बेटे कलशदेव को दे दिया। मगर इन बाप बेटे में आपस में कभी नहीं बनती थी, इसलिए अनंत देव को अपनी राजधानी छोड़कर विजेश्वर यानी विजविहार में रहना पड़ा। वो बहुत दिनों तक अपने बेटे का बुरा व्यवहार सहता रहा, लेकिन बात जब हद से आगे बढ़ी तो वो अपने बेटे को बंद रखने लगा। सच में? क्या और क्या, मगर कलशदेव के संगी साथी सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा अनंत देव की सारी योजनाएं विफल कर दी। बाद में रहे राज ऋषि अनंत देव, वो आ गए विजेश्वर और सोचा कि वो अपना बुढ़ापा यहीं रहकर बिता लें। इसीलिए लोगों को संदेह है कि क्या कलशदेव ही उसकी अपनी संतान है। महारानी सूर्यमती देवी है, उसकी निंदा कौन कर सकता है। वो बड़े घर की बेटी है, कांगड़ा जालंधर की राजकुमारी, दान धर्म करने वाली। यहाँ की महारानी बनने के बाद उन्होंने यहाँ वितस्ता के किनारे बहुत सारे मंदिर और मठ बनाए। जो भी गुणी जनों का सम्मान करे उसकी निंदा हम कैसे कर सकते हैं। अरे, वो कौन आ रहा है हमारी तरफ? नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजधानी से आया हूँ। लोगों को राजा अनंत देव का यहाँ आना ठीक नहीं लगा। नए अधिकारी बनाए गए हैं और जयानंद भी कई बहानों से धन मांग रहा है। महाराज जय हो। राजन, आपके नगर छोड़ने के बाद कलशदेव ने जयानंद को तमाम अधिकार दे दिए हैं। राजन, प्रजा मित्र को सेनापति बनाया गया है और वरादेव द्वारपति। ओह, तो उन्होंने हमारे शत्रुओं को राजाधिकारी बना दिया है, कलशदेव को भी मिला लिया है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है उसकी। राजन, शक कुल के राजकुमार ने कलशदेव को आप पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया है। क्या क्या कह रहे हो?
कल्श देव हम पर आक्रमण करेगा, मगर क्यों? राजन, आपने चंद्र राजा को बंदी बनाया था, उसको छोड़ दिया गया है। उसको आपके साथ लड़ाई करने के लिए सैनिक दिए जा रहे हैं। समझे, वो हमसे बदला लेना चाहता है। सूर्यचंद, सब लोगों से कह दो अपने सगे संबंधियों को सूचना भेजें, हमें उनकी सहायता चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे, युद्ध करेंगे। ये सूचना दे दें। अवश्य, हम देखेंगे हमारे साथ कौन है और उन कुकर्मियों के साथ कौन है। जाता हूँ महाराज, ऐसा ही करूँगा। राजा की जय जयकार। मगर कल्शदेव में ऐसी खूबियां नहीं है जो एक राजा में होनी चाहिए। लेकिन पुत्र अपने पिता पर कैसे आक्रमण करेगा? होने दो युद्ध, निर्णय अपने आप हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि राज्य का त्याग करने वाले अनंत देव पर उसका बेटा आक्रमण करने वाला है। युद्ध होगा, अवश्य होगा। जिंदगानी के खुशी के तराने कुछ जा...